नमस्कार। जेल के मीडिया में आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है, महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं उससे आम जनता तो काफी प्रसन्न नजर आ रही है, परंतु कई राजनेताओं के लिए मुश्किल आन खड़ी हुई है। अनेकों ऐसे नेता राजनीतिक दलों के हैं जो अब कहते हैं जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाकर 6 माह भीतर चुनाव करवाने चाहिए। हमने जाना ऐसा क्यों हुआ, हमने जो जानकारी ली उससे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर की कमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने संभाली सब कुछ जम्मू कश्मीर में बदला नजर आया। बहुत घुड़कियां थी, चेतावनी थी कि चुनाव लोकल बॉडीज और पंचायत के नहीं करवाए जाएं, मगर जिस बेबाकी से चुनाव किया और बिना किसी खून खराबे के राज्यपाल शासन के अधीन चुनाव हुए वो अपने आप में एक मिसाल बन गई। अब जो चुनाव का बहिष्कार करने वाले थे अब चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। कारण है, पहली बार जम्मू कश्मीर में राजभवन आम जनता के लिए खोल दिया गया है, कोई भी फरियादी आराम से फरियाद कर सकता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला मौका है जब महामहिम राज्यपाल स्वयं अनेकों सार्वजनिक सभाओं में जा रहे हैं और खुलकर बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं। वो टिप्पणी अनेकों उन भ्रष्ट अधिकारियों को रास नहीं आ रही है, उन राजनेताओं को रास नहीं आ रही है जिन पर उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जो सत्ताधारी दल के ही थे, इससे परेशानी नजर आ रही है। इतिहास के पन्नों में पहली बार हुआ है कश्मीर में, खास करके दक्षिण कश्मीर जो आतंकवाद से ग्रस्त है, वहां पर महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पक्ष में नारे लगे हैं, क्योंकि वहां की बाकी सरकारें, वहां के प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन बातों से अब राजनीतिक दल घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हैं इसकी अगली कड़ी जो है हम आपको उसमें सारी बात बताएंगे। नमस्कार।